होशंगाबाद के रसूलिया में पुलिस ने पार्षद की बेटी संदीप गौर को हिरासत में लिया। पार्षद का बेटा संदीप गौर सड़क तोड़कर नाली बना रहा था, जिसकी शिकायत सीएमओ ने पुलिस से की। संदीप गौर को हिरासत में लेने के विरोध में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेवाल समेत एक दर्जन पूर्व पार्षदों ने थाने का घेराव कर दिया। देर रात तक धरना देते हुए प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ माधुरी शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसपी अवैध अवधेश प्रताप सिंह, एसडीएम आदित्य विद्रेझारिया और एफडीओपी मंजू चौहान भी समझाइश के बाद पूर्व नपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्षदों ने अपना धरना वापस ले लिया। नगर पालिका द्वारा जो पानी भर रहा था वहाँ पर पानी के निकास के लिए कुछ कच्ची नाली के रूप में खुदाई की जा रही थी, तो उस पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो आ गए और उन्होंने वहाँ कार्य करने से मना किया। तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके कहने पर उनको वहाँ से हटा दिया गया। नहीं कहीं, चूंकि अभी कोई FIR जैसा कोई मैटर नहीं था, ना ही इस प्रकार की कभी कोई अभी हमको कंप्लेंट मिली है, इसलिए कोई FIR उसमें दर्ज नहीं। एडीएम साहब ने आश्वस्त किया है नाली निर्माण कार्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं होगा। वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं पहले उनसे चर्चा करेंगे, जाके घर तो उनसे एक घर बात करेंगे, यदि होता है मतलब जो समझौता इस पार्ट में करता है हम देख लो फिर कार्य किया है उसको पूर के मरम्मत करेंगे। कार्रवाई होने वाली कार्रवाई में कहा नहीं होगी।